खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। चुरहट, आगामी त्यौहार मोहर्रम को देखते हुए थाना चुरहट में निरीक्षक पुष्पेंद्र प्रताप मिश्रा, नायब तहसीलदार, समस्त व्यापारीगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकार, पुलिस बल सभी मौजूद थे। निरीक्षक महोदय ने बताया कि ताजिया जुलूस के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी। वो धार्मिक व्यक्ति शांति समिति की बैठक हुई, इसमें आप क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं आगामी त्योहारों को लेकर के? जैसा कि आपको मालूम है कि 17 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाना है हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा, तो त्यौहारों को लेकर के शांति समिति की बैठक का आयोजन थाना परिसर में किया गया था, जिसमें इस नगर चुरहट के कई गणमान्य नागरिक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनसे राय मशवरा सबसे लिया गया है कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा होगी और कार्यक्रम में प्रशासनिक प्रबंध क्या किए जाने चाहिए और सबसे जानकारी लेकर के उसके अनुरूप लोग प्रबंध करेंगे ताकि बेहतर व्यवस्था रहे और सारे लोग अच्छे से अपने त्यौहार को मना सकें। सर, 5 ताजिया बनती हैं जिनमें 3 ताजिया वहीं रखी रहती हैं, 2 बाजार चुरहट बाजार तक जाती हैं, उसमें आपका पुलिस प्रशासन साथ में रहेगा? जी बिल्कुल, जानकारी मिली है शांति समिति की मीटिंग के दौरान, लोगों ने बताया है कि 2 ताजिया मस्जिद से वार्ड नंबर 1 से निकल करके कस्बा में भ्रमण करने जाएंगे और भ्रमण के बाद वहाँ से वापस आएंगे। इस पूरे जुलूस के दौरान हमने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि जो पुराना रूट था, पिछले साल का रूट था ताजिया का, वही रूट रहेगा और साथ ही साथ पुलिस बल साथ में रहेगा, पूरे जुलूस के दौरान रहेगा ताकि बेहतर व्यवस्था बनी रहे। चुरहट से खबर समय जगत के लिए अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।